तिब्बत आज भी एक रहस्यों का ही देश है। यद्यपि पिछले 70-80 वर्षों में तिब्बत के संबंध में दुनिया को थोड़ी बहुत जानकारी हुई है और कई पुस्तकें भी लिखी गई है, पर सब मिलाकर दुनिया के इस छत से सभ्य जगत के औसत पाठकों का कोई संबंध नहीं है। और जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे भी या तो एकांगी हैं या एक अस्पष्ट रहस्यमयता के बोझ से दबी हुई है। संसार में यही एक ऐसा देश है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है और यहां विदेशियों का प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है। जो अभी आप सुन रहे हैं, मुझे एक आर्टिकल के रूप में ये प्राप्त हुई है और ये करीबन आज से 100 वर्ष पहले लिखी गई थी, करीबन 1930 से 40 के बीच में ये लिखी गई है। तो जो भी यहाँ बातें कही जा रही है उस समय को देखकर ही कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी रहस्यमय चीजों से भरी हुई है। मैंने लोबसांग रंपा पे भी वीडियो बनाया है, उन्होंने उनकी जो यात्राएं थी मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप लोग अवश्य सुनिएगा। और मीला रेपा पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द मैं उनकी भी वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। गंपोपा पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। इस देश के संबंध में मेरी शुरू से बड़ी दिलचस्पी रही है और लगभग 12 वर्ष पहले मैंने इसके विषय में उपलब्ध संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किया था। तिब्बत के संबंध में जो साहित्य उपलब्ध है वह मुख्यतः दो प्रकार का है, कुछ साहसिक यात्राओं के वर्णनों से पूर्ण है, कुछ झूठी सच्ची दंत कथाओं से भरा हुआ है, पर इसकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक साधनाओं के विषय में वैज्ञानिक छानबीन करने की प्रवृत्ति किसी ग्रंथ में दिखाई नहीं देती। सच बात तो यह है कि तिब्बत में प्रचलित बौद्ध धर्म के विभिन्न विकृत शाखाओं, संप्रदायों एवं वर्गों के संबंध में पाश्चात्य लेखकों ने जो भी लिखा है वह अत्यंत अस्पष्ट, भ्रामोत्पादक और परस्पर विरोधी है। उत्तराखंड और तिब्बत दोनों अत्यंत प्राचीन काल से योग संबंधी साधनाओं के केंद्र रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी अनेक श्रेष्ठ योगी और आध्यात्मिक साधक एवं सिद्ध पुरुष मिलते हैं। तिब्बत में पद्म संभव के बाद से तांत्रिकों का जोर बढ़ता ही गया और उसका प्रारंभिक रूप चाहे कितना ही शुद्ध रहा हो, पर आज वहां अंधविश्वास, जादू टोना का प्रचार बहुत बढ़ गया है। सिक्किम में भी जादूगरों की शक्ति पर आम जनता की बड़ी श्रद्धा है। असाधारण शक्तियों, प्रेतों इत्यादि के भय से जनता प्राय डरी हुई है। एक समय जिस योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार था और जहां असाधारण शक्तियों की साधना शुद्ध कल्याण की भावना पर आश्रित थी, वहां आज प्राय विकृत होकर भय, मूर्ता, स्वार्थ और जीविकोपार्जन का साधन बन गई है। पर कीचड़ में जहां कीटाणु होते हैं वहां कभी कभी सुंदर कमल भी दिख पड़ते हैं। इन विकृत सिद्धियों के बीच भी कभी कभी अच्छे योगियों का पता लग जाता है। इस रहस्यपूर्ण देश में भारत से गई हुई और हमारे द्वारा पूर्णतः विस्मृत कई विद्याएं आज भी कहीं कहीं सुरक्षित है। बंगाल के प्रसिद्ध योगी काशी निवासी श्री विशुद्धानंद परमहंस जी इसी तिब्बत से विज्ञान सीख कर आए थे, जिनके द्वारा मृतक पक्षियों को जिलाते तथा नाना प्रकार के पदार्थ क्षण भर में पैदा करते लोगों ने उनको आंखों से देखा है। इनके विषय में आप लोगों ने पॉल ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज और परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी कथामृत में सुना होगा। मैंने श्री विशुद्धानंद परमहंस जी पे उनकी पूरी जीवनी बनाई है, मेरी ही आवाज में ऑडियो है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाके उनकी जीवनी सुन सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की अगर कठिनाई हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। श्रेष्ठ योगियों की कमी अवश्य है, पर असाधारण शक्ति एवं चमत्कार के जिन्हें हम निकृष्ट सिद्धि कहेंगे तो वहां अनेक उदाहरण मिलते हैं। अनेक आंखों देखी घटनाएं विश्वसनीय यात्रा वर्णनों में यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। इनको एकत्र किया जाए तो एक बड़ी पुस्तक बन सकती है, पर हम यहां एक बहुत विश्वस्त यात्री का ही मुख्यतः जिक्र करेंगे। तिब्बत के लामाओं, पुजारियों एवं जादूगरों के संबंध में आज तक जो कुछ लिखा गया है उसमें सबसे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक वृतांत श्रीमती
अलेक्जेंड्रा डेविड नील का है। श्रीमती नील को हम साधारणतः एक फ्रेंच महिला कह सकते हैं, फ्रेंच उनकी मातृभाषा है। उन्होंने तिब्बत, लामा धर्म एवं बौद्ध धर्म के विविध अंगों पर 10 से 12 पुस्तकें फ्रेंच में लिखी है। वे न केवल फ्रेंच की पंडित है, वरन जर्मन और अंग्रेजी पर भी उनका असाधारण अधिकार है, और इन दोनों भाषाओं में भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। इन पुस्तकों के अनुवाद और संस्करण स्पेनिश, जैक, पोलिश और स्वीडन में भी हुए हैं। ये आर्टिकल बहुत पहले लिखी गई थी, तो शायद उस समय इंग्लिश में पुस्तकें नहीं आती होंगी, लेकिन अभी आ चुकी है। इंग्लिश वर्जन अभी अवेलेबल है। जो भी पुस्तकें अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आप लोग इन पुस्तकों को हिंदी में सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, फिर ऑडियो में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत मेहनत करना होगा। तो अगर जैसा आप लोग अगर चाहेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करते हैं, तो मैं इन पुस्तकों को भी हिंदी में कन्वर्ट करवा कर ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए आगे सुनते हैं। मैडम डेविड नील में कई जातियों के रक्त का मिश्रण है। उनके पूर्वज उन फ्रेंच यूजनातों में से एक थे जो 18वीं शताब्दी के रोमांचकारी अत्याचारों एवं उत्पीड़नों के बीच भी अपने धर्म एवं विश्वास के प्रति अचल रहे थे। उनमें नॉर्वेजियन रक्त भी है। इन दो धाराओं की उनके जीवन में प्रधानता है। पहले के कारण धर्म एवं तत्व ज्ञान में उनकी असाधारण रुचि और प्रवृत्ति है। दूसरे के कारण उनमें दुर्गम मार्गों एवं प्रदेशों का भ्रमण करने की ओर झुकाव है। उनका अध्ययन काल पेरी में समाप्त हुआ। महायुद्ध के पूर्व कुछ समय तक ब्रसेल्स विश्वविद्यालय में वह अध्यापिका प्रोफेसर भी रही है। उन्होंने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की खूब यात्रा की है, पर एशिया को वह अपना घर ही समझती रही। जन्म से वह यूरोपियन है, पर रुचि और चुनाव से उनको एशियाई ही कहना चाहिए। श्रीमती नील ने जीवन के लगभग 15 वर्ष तिब्बत में व्यतीत किए हैं। वह स्वयं बौद्ध है और बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं और संप्रदायों का उनका गहरा अध्ययन है। वह स्वयं लामा धर्म में दीक्षित होकर लामा की पद मर्यादा तक पहुंची है। वह तिब्बत के प्रत्येक प्रांत की भाषा में धारा प्रवाह बोल सकती है, और तिब्बत के श्रेष्ठ धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों की उनको बहुत अधिक जानकारी है। संभवतः उनकी पुस्तकें तिब्बत के संबंध में बहुत विश्वसनीय हैं। उनमें अन्वेषक की प्रश्न करने की और उसका वैज्ञानिक उत्तर प्राप्त करने की तीव्र रुचि है। वह किसी बात को यूं ही नहीं मान लेती। वह क्यों है और कैसे है, इसे समझने की भी चेष्टा करती है। उन पर डिकार्टे और क्लाउड बर्नार्ड जैसे आध्यात्मिक संदेहवादियों का पर्याप्त प्रभाव है। इसके कारण उनमें वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रवृत्ति है। मैडम नील के संबंध में इतना मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पाठक समझ लें कि वह साधारण यात्रियों की तरह कल्पना के द्वारा गढ़ी हुई बातें नहीं लिखती, वरन जो कुछ लिखती है अपने दीर्घकालिक अध्ययन, अनुभव और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप लिखती है। श्रीमती नील ने अपनी पुस्तकों में तिब्बत के ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन किया है जिनसे प्रकट होता है कि अब भी वहां असाधारण शक्तियों की साधना करने वाले लोग पाए जाते हैं। इनमें कुछ सच्चे योगी होते हैं। अधिकांश अपनी शक्तियों का सांसारिक उद्देश्यों, स्वार्थ साधन, जीवन निर्वाह तथा दूसरों पर प्रभुत्व और आतंक स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। यद्यपि वे इनका उचित और श्रेष्ठ उपयोग नहीं करते हैं, पर उनकी शक्ति से यह तो प्रकट होता ही है कि मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां भरी हुई है। इसलिए हम ऐसी घटनाओं का वर्णन यहां करेंगे। यहां यह याद रखना चाहिए कि ये घटनाएं सुनी हुई नहीं है, वरन स्वयं श्रीमती नील के समक्ष घटित हुई है। श्रीमती डेविड नील पोडांग में ठहरी हुई थी। यहां रहते हुए बीच बीच में वह पूर्वी तिब्बत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा किया करती थी। इन यात्राओं के सिलसिले में वह कई श्रेष्ठ साधकों के संपर्क में आई थी। इनमें एक को डार्लिंग गोमचेन के नाम से पुकारा जाता है। तिब्बत में जैसा कि भारत में भी है, किसी को उसके नाम से बुलाना अशिष्टता समझी जाती है।
गोमचेनो को प्रायः लोग उस स्थान के नाम से पुकारते हैं जहां वह साधना के लिए रहता है। जैसे सकियांग में रहने वाले को साधारणतः सकियांग गोमचेन के नाम से पुकारेंगे, इसी प्रकार डालिंग नामक मठ का आचार्य होने के कारण उपयुक्त गोमचेन को डालिंग गोमचेन के नाम से पुकारा जाता है। प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में गोमचेन या लामा एक एकांत पर्वत की चोटी पर चले जाते थे और एक छोटी कुटी में एकांत साधना करते थे। आवश्यक सामग्री उनके शिष्य वहां एकत्र करके रख देते थे, क्योंकि फिर 3-4 महीने तक कोई भी व्यक्ति उनके पास जा नहीं सकता था। जब श्रीमती नील पोटांग में ठहरी हुई थी, तब सिकम के युवराज भी उनके साथ वहीं ठहरे थे। वह अपने राज्य के बौद्ध मठ के प्रधान थे और श्रीमती नील के प्रति प्रारंभ से ही उनका बड़ा आदरपूर्ण व्यवहार था। वह ज्ञान के अन्वेषण के लिए की जाने वाली इन यात्राओं में बराबर श्रीमती नील की सहायता कर रहे थे। उनको साधारण लोग सिद्धकियांग तुलुक के नाम से पुकारते थे, इसलिए आगे मैं भी इसी नाम से उनका जिक्र करूंगा। लामा बहुत कम बोलते थे, पर सिद्धकियांग तुलुक के द्वारा जीविका का प्रबंध होने के कारण वह श्रीमती नील से धार्मिक विषयों पर शंका समाधान करते रहते थे। एक दिन की बात है कि प्रिंस, श्रीमती नील और डार्लिंग लामा तीनों पेडांग के बगले में बैठे हुए थे। योगियों और असाधारण शक्ति संपन्न लोगों के विषय में बातें हो रही थी। इसी बातचीत के सिलसिले में लामा अथवा गोमचेन ने अपने गुरु की असाधारण शक्तियों एवं ज्ञान का वर्णन किया। उनकी बातचीत में गुरु के प्रति हार्दिक सम्मान, श्रद्धा और निष्ठा का भाव फूटा पड़ता था। उनकी बात से प्रिंस सिद्धकियांग तुलुक उनके गुरु के विषय में बड़े प्रभावित हुए। यह प्रिंस सुधारवादी थे और अपने राज्य से अधिकांश अंधविश्वास तथा जादू टोना दूर करने के लिए उन्होंने बड़ा साहसपूर्ण प्रयत्न किया था, पर उस समय वह किसी निजी समस्या से बड़े चिंतित थे। एक बर्मन राजकुमारी से उनके विवाह की बातचीत चल रही थी। उनकी चिंता उसी संबंध में थी। वह चाहते थे कि कोई सिद्ध मिले तो उससे इस विषय में आदेश एवं पथ प्रदर्शन प्राप्त करें। इसलिए जब उन्होंने गोमचेन से उनके गुरु के विषय में सुना तो मैडम नील से अंग्रेजी में कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इस महान सिद्ध से नहीं मिल सकता, अन्यथा मुझे उनसे अच्छी सलाह प्राप्त होती। फिर तिब्बती भाषा में गोमचेन से कहा, मुझे दुख है कि आपके गुरु यहां नहीं हैं। मैं इस समय ऐसे ही किसी पारदर्शी सिद्ध की सलाह चाहता हूं। पर प्रिंस ने यह नहीं बताया कि वह क्या पूछना चाहते हैं या उनकी चिंता का कारण क्या है। लामा ने निश्चल शांति के साथ पूछा, क्या मामला गंभीर है? प्रिंस ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। लामा ने कहा, तब संभवतः आपको इच्छित सलाह प्राप्त हो सकती है। श्रीमती नील लिखती है, मैंने सोचा कि वह किसी विशेष संदेश वाहक द्वारा पत्र भेजकर सलाह मंगवाएंगे। मैं उनसे कहने ही वाली थी कि बहुत अधिक दूर होने के कारण इसमें काफी वक्त लग जाएगा कि उनकी ओर देखकर मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उनकी देह लकड़ी जैसी हो रही थी। मैंने समझा कि एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं उनके पास से उठकर जाने ही वाली थी कि प्रिंस ने, जो लामा से होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को बड़े ध्यान से देख रहे थे, मुझे रोक लिया और बहुत धीरे से कहा, बैठी रहो। कभी कभी गोमचेन लोग एकाएक समाधिस्थ हो जाते हैं। किसी को उनको जगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े खतरे हैं और इससे उनकी जान जा सकती है। इसलिए मैं चुपचाप बैठी लामा को देखती रही। उनमें किसी तरह की हरकत नहीं थी और वह जड़वत प्रतीत हो रहा था। मैंने देखा कि धीरे धीरे उनकी आकृति बदल रही है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पैदा हो रही है और चेहरे पर ऐसा भाव प्रकट हो रहा है जो मैंने उनमें कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और प्रिंस आश्चर्य से कांप उठे। हम लोग जिस आदमी को देख रहे थे वह डार्लिंग के गोमचेन नहीं थे, यह कोई दूसरा ही आदमी था जिसे हम नहीं जानते थे। बड़ी कठिनाई से
इस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और डार्लिंग गोमचेन से भिन्न वाणी में बोला, अशांत मत हो, इस प्रश्न का सामना करने का अवसर ही तुम्हारे सामने ना आएगा। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसकी आकृति बदलने लगी और पूर्ववत डार्लिंग लामा के रूप में आ गई। कुछ देर बाद लामा की समाधि अथवा सुसुप्ति दूर हो गई। इसके बाद प्रिंस और मैडम नील न कोई प्रश्न पूछना चाहें, पर लामा ने उन पर ध्यान न दिया और लड़खड़ाते हुए एकांत में चले गए। ऐसा मालूम होता था कि थकावट से उनका शरीर चूर हो रहा हो। मैं पहले कह चुका हूं कि प्रिंस सुधारक थे और संदेहवादी भी। लामा के जाने के बाद उन्होंने कहा, इस उत्तर का कोई अर्थ नहीं। पर कुछ ही दिनों बाद प्रकट हो गया कि उत्तर पूर्णतः सार्थक था। युवक महाराज की चिंता का कारण यह था कि उनका एक लड़की से संबंध था और उससे एक लड़का भी पैदा हो चुका था। अब उनका विवाह होने जा रहा था, पर वह पूर्व लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको सचमुच दो स्त्रियों की यह समस्या हल करने की जरूरत न पड़ी। विवाह के ठीक एक दिन पूर्व अकस्मात उनकी महाराज की मृत्यु हो गई। इस घटना से प्रकट होता है कि योगी सैकड़ों मील दूर बैठे गुरु अथवा अन्य व्यक्ति से तुरंत सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। इतना ही नहीं, एक योगी की आत्मा दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होकर आवश्यक कार्य कर सकती और बोल सकती है। इस प्रकार दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के और भी उदाहरण मिलते हैं। श्री शंकराचार्य ने अपना शरीर एकांत में छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश किया था। उतने समय में योगी का अपने पूर्व शरीर में भी एक सूक्ष्म संबंध बना रहा है और वह कार्य होते ही निर्जीव से पड़े अपने पूर्व शरीर में लौट जाते हैं। परकाया प्रवेश पे भी मैंने कुछ ऑडियोज बनाए हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप परकाया प्रवेश सिद्ध संतों की खोज सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब वीडियोज डाल दूं, अगर आप सुनना चाहें तो वो सब सुन सकते हैं। परंतु उल्लिखित घटना में कुछ विशेषताएं और भी हैं। पहली बात यह कि इसमें एक योगी ने दूसरे जीवित योगी के शरीर में प्रवेश किया। दूसरी बात यह कि जिसके शरीर में प्रवेश किया गया उसका रूप भी बदलकर प्रवेश करने वाले योगी के समान हो गया। तीसरी बात यह कि यह सब बहुत थोड़ी देर में बिना किसी पूर्व तैयारी के ही हो गया। इन बातों के अतिरिक्त यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि योगी में मौन प्रिंस के मन की बात जान लेने और भविष्य को देख सकने की शक्ति थी। प्राणायाम संबंधी एक विशेष पद्धति को तिब्बत में लुंग गोम कहते हैं। हमारे योग की भांति इस शब्द का प्रयोग अनेक ऐसी साधनाओं के लिए होता है जिनमें प्राणायाम के साथ मन का केंद्रीयकरण किया जाता है। ये क्रियाएं वस्तुतः आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, पर अब लौकिक शक्ति प्राप्त करने अथवा अन्य साधारण उद्देश्यों से भी की जाती है। ये साधनाएं हमारे यहाँ की योग सिद्धियों से मिलती जुलती है। जैसे हमारे यहाँ शरीर को यथेच छोटा बड़ा बना लेने, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने, आकाश मार्ग से उड़ने इत्यादि की सिद्धियां हैं, वैसे ही लुंग गोम के अंतर्गत भी अनेक सिद्धियां हैं। इनमें एक असाधारण गति का फूर्ति प्राप्त करने की क्षमता है। जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है वह सैकड़ों मील का रास्ता थोड़े समय में प्राप्त कर सकता है। तिब्बत के मध्यकालिक प्रसिद्ध साधकों के विषय में उनकी असाधारण गति की अनेक कथाएं वहां प्रचलित है। मीला रेपा की जीवनी में हम जानते हैं कि जिस लामा ने उसे चमत्कारिक साधनाओं की शिक्षा दी थी, उसके घर पर एक त्रपा रहता था जो घोड़े से भी तेज चाल से चल सकता था। स्वयं मीला रेपा ने अपनी इस प्रकार की शक्ति का वर्णन किया है और लिखा है कि एक बार मैंने बहुत लंबा मार्ग कुछ ही दिनों में तय कर लिया था। इस साधना के पूर्व इसी को पूरा करने में एक महीना से अधिक समय लग गया था। इस साधना में असाधारण गति और फूर्ति का ही अभ्यास नहीं किया जाता, वरन शरीर की सहन शक्ति में भी अत्यधिक वृद्धि की जाती है, क्योंकि प्रायः सफल साधक निरंतर कई दिनों तक रात को भी चलते ही जाते हैं।
एक क्षण के लिए कहीं नहीं रुकते और गंतव्य स्थल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। ऐसे सफल साधकों के दर्शन बहुत ही कम होते हैं। वस्तुतः उनके बारे में सुना तो बहुत कुछ जाता है, पर उनके निजी संपर्क में आने अथवा यात्रा की अवस्था में उनको देखने का अवसर तिब्बत में भी बहुत ही कम लोगों को मिलता है। श्रीमती डेविड नील ने ऐसे 3 लुंग गोम्पा साधकों को यात्रा की अवस्था में स्वयं देखा था। वह स्वयं लिखती है, मैं इसके लिए अपने को बड़ी भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि लुंग गोम का कुछ न कुछ अभ्यास तो बहुत से धर्माचार्य एवं साधकगण करते हैं, पर यह बात संदेह से परे है कि इनमें से बहुत कम को अभिसिप्त फल की प्राप्ति होती है। असल में सच्चे लुंग गोम्पा बहुत ही थोड़े होंगे। पहले लुंग गोम्पा से मेरी भेंट उत्तरी तिब्बत के छंगथंग में हुई थी। दिन का तीसरा पहर बीत चला था। मैं, योगदेन और हमारे साथ के सेवक सब एक ऊंची चौरस भूमि को आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों पर पार कर रहे थे। इतने में मैंने सामने की तरफ दूर कोई काली चीज चलती देखी। दूरबीन से देखने पर मालूम हुआ कि वह आदमी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस उजाड़ प्रांत में किसी प्राणी से भेंट होना एक घटना ही होती है। पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने एक आदमी के भी दर्शन नहीं किए थे। फिर इस विस्तृत एकांत में कोई आदमी अकेले और पैदल नहीं चलता, तब यह आश्चर्यजनक यात्री कौन है? मेरे सेवकों में से एक ने कहा कि कदाचित यह आदमी सौदागरों के किसी ऐसे काफिले में रहा होगा जिसे डाकुओं ने लूट कर तितर बितर कर दिया हो, और यह आदमी जान लेकर भागा हो और इस रेगिस्तान में भटक गया हो। यह बिल्कुल संभव था। मैंने सोचा कि यदि यही बात होगी तो मैं इस आदमी को अपने साथ ले चलूंगी और उसे किसी बस्ती में अथवा मेरे रास्ते में पड़ने वाले किसी स्थान पर वह जहां जाना चाहेगा पहुंचा दूंगी। लेकिन जो जो मैं दूरबीन से देखने लगी, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अद्भुत ढंग से चल रहा है और उसकी चाल में बहुत अधिक तेजी है। यद्यपि इतनी दूर से मेरे आदमियों को सिर्फ एक काली चीज बढ़ती दिखाई देती थी, पर उन्होंने भी लक्ष्य किया कि उसमें असाधारण गति है और बहुत जल्दी निकट चली जा रही है। मैंने उनको दूरबीन देखने के लिए दी। देखने के बाद उनमें से एक बोला, यह तो लामा लुंग गोम्पा के समान दिखाई देता है। लामा लुंग गोम्पा के इन शब्दों ने तुरंत मेरे दिल के अंदर दिलचस्पी पैदा कर दी। मैंने ऐसे आदमियों द्वारा किए जाने वाले करामतों के विषय में बहुत कुछ सुना था और इनके शिक्षण एवं साधना के सिद्धांतों से वाकिफ थे। मैंने स्वयं भी कुछ दिन इसका अभ्यास किया था, किंतु लुंग गोम के किसी आचार्य को इन लंबी यात्राओं के बीच स्वयं चलते हुए मैंने कभी ना देखा था। मैंने सोचा, क्या सचमुच इनको देखने का मेरा भाग्य है? वह आदमी हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसकी आश्चर्यजनक चाल स्पष्ट होती जा रही थी। मैंने सोचा कि यदि वह सचमुच लुंग गोम्पा है तो क्या करना चाहिए। मैं नजदीक से उसका परीक्षण करना चाहती थी। मैं उससे बात करना, उससे कुछ प्रश्न पूछना और उसका फोटो लेना चाहती थी। मैं न जाने क्या क्या चाहती थी, पर मेरी ऐसी इच्छा प्रकट करने पर वो व्यक्ति जिसने उसे लुंग गोम्पा के रूप में पहचाना था बोला, पूज्य लामा को आप न रोकेंगी, न उससे कुछ बोलेंगी। ऐसा करने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यात्रा करते समय इन लामाओं का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। यदि वह मानसिक मंत्र पाठ बंद कर दे तो उनके अंदर से देवता निकल जाते हैं और नियत समय से पूर्व निकलने पर वह इन्हें इतनी जोर का धक्का देते हैं कि वे मर जाते हैं। इस चेतावनी में अंधविश्वास स्पष्ट था, पर इसकी उपेक्षा न की जा सकती थी, क्योंकि मैं इस साधना के विषय में जो कुछ जानती थी उससे इतना स्पष्ट था कि ऐसे आदमी एक प्रकार की सुसुप्ति अथवा योग निद्रा में चलते हैं। इसलिए अकस्मात जगा दिए जाने से यात्री के स्नायु जाल पर अवश्य धक्का पहुंचेगा। यद्यपि मुझे संदेह है कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार के आकस्मिक धक्के से उसे किस सीमा तक हानि पहुंच सकती है, इसका अनुमान मैं न लगा सकती थी और लामा पर निर्दय प्रयोग करने की मेरी इच्छा भी न थी। अन्य कारण भी
मेरी उत्कंठा की तृप्ति में बाधक थे। तिब्बत वासियों ने मुझे एक महिला लामा के रूप में स्वीकार किया था। वे जानते थे कि मैं बौद्ध हूं और बुद्ध के सिद्धांतों के संबंध में मेरी दार्शनिक धारणा तथा लामीय बौद्ध धर्म के बीच क्या भेद है, इसे समझ न सकते थे। साधारण तिब्बती लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बुद्ध धर्म शब्द में अनेक संप्रदायों और विचारों का समावेश है। ऐसी अवस्था में अपनी धार्मिक वेशभूषा के कारण जो विश्वास, आदर और घनिष्ठता मुझे प्राप्त थी, उसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे धार्मिक विषयों में खास तौर से तिब्बती प्रथाओं का पालन करना आवश्यक था। इसलिए इस आश्चर्यजनक यात्री को रोकने के संबंध में मुझे अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना पड़ा। इस समय तक वह हमारे बहुत पास आ गया था। उसके शांत निरुद्वेग चेहरे और उसकी पूर्णतः खुली आंखों को मैं स्पष्ट देख रही थी। ये आंखें शून्य में वही ऊंचे स्थान पर स्थित किसी अदृश्य एवं दूरस्थ पदार्थ पर दृढ़तापूर्वक लगी हुई थी। यह आदमी दौड़ता नहीं था, ऐसा मालूम होता था मानो वह जमीन से ऊपर कूदता हुआ चला जा रहा हो। उसमें गेंद का लचीलापन और हल्कापन मालूम पड़ता था। जैसे जमीन से स्पर्श होते ही गेंद ऊपर उठती है, वैसे ही पांव से प्रत्येक बार पृथ्वी का स्पर्श होते ही वह जैसे ऊपर उछलता था। उसके प्रत्येक पग में घड़ी के पेंडुलम की भांति नियमितता थी। वह मठ निवासियों के वेश में गुजर रहा था। बाएं हाथ में वह वस्त्र पकड़े था, यहां तक कि वह हाथ करीब करीब आधा उसके नीचे छिपा था और दाहिने हाथ में अभिमंत्रित कटार था। प्रत्येक पग पर उसका दाहिना हाथ जरा आगे बढ़ता था, जैसे कोई छड़ी पर झुक रहा है या जैसे कटार पे, जिसकी नोक जमीन से बहुत ऊपर थी, जमीन को स्पर्श कर रहा हो और एक सहारे का काम दे रहा हो। जब वह हमारे सामने से निकला तो मेरे सेवकों ने घोड़ों से उतरकर जमीन पर दंडवत किया, पर वह सीधा अपने रास्ते चला गया और उसे हमारी उपस्थिति का भान भी नहीं हुआ। पर जब वह कुछ दूर निकल गया तो मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उसे क्यों रोक कर नहीं देखा। मैंने तुरंत नौकरों को घोड़ों पर चढ़कर लामा का पीछा करने की आज्ञा दी। मैं और मेरा पुत्र दोनों बराबर घोड़े पर पीछा करते हुए दूरबीनों से लामा को देख रहे थे। वह उसी नियमितता के साथ उछलता चला जा रहा था। हम लोगों ने लगभग 2 मील तक उसका पीछा किया। इसके आगे उसने एक ऊंचे करार को पार किया और अदृश्य हो गया। घोड़े से उस रास्ते जाना कठिन था, इसलिए हम लोग लौट पड़े। लुंगोम्पा से मेरी भेंट होने के बाद चौथे दिन सुबह हम लोग थेम्बगियाई नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां डोकपा लोगों के अनेक तंबू बिखरे हुए लगे थे। मैंने इन लोगों से लुंगोम्पा से अपनी भेंट की कहानी सुनाई। इनमें से कुछ ने लामा को उसके पहले दिन शाम के वक्त देखा था। जब हम लोगों ने उसे देखा, इससे प्रकट होता है कि वह तेज चाल से रात दिन चलता रहा था। सुदूर पश्चिम जेतसुनीस में मुझे एक दूसरे लुंगोम्पा के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु इस बार मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा। हम लोग एक जंगल के बीच से जा रहे थे और मैं और मेरा पुत्र योगदेन दोनों नौकरों से कुछ आगे निकल आए थे। रास्ते के मोड़ पर हम लोगों को एक नंगे आदमी के, जिसके शरीर में चारों ओर लोहे की सांकलें बंधी हुई थी, दर्शन हुए। वह एक चट्टान पर बैठा हुआ था और अपने ध्यान में इतना डूबा था कि हम लोगों के निकट आने का शब्द उसने नहीं सुना। कुछ देर बाद जब अकस्मात उसे हम लोगों की उपस्थिति का ज्ञान हुआ, तो एक क्षण हम लोगों की तरफ देखने के बाद वह असाधारण गति से उछलकर हिरण की भांति कहीं घने जंगल में चला गया। कुछ देर तक तो उसकी सांकलों की आवाज सुनाई देती रही, बाद में कम होते होते बिल्कुल मिट गई। डोकपा का अर्थ एकांतवासी है, पर यह शब्द विशेषतः चरवाहों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। योगदेन ने मुझसे कहा, यह आदमी लुंगोम्पा है, मैं इसके जैसे एक आदमी को पहले भी देख चुका हूं। ये लोग सांकली इसलिए पहनते हैं कि शरीर भारी हो जाए,
क्योंकि लुंगोम्पा के अभ्यास से इनके शरीर इतने हल्के हो जाते हैं कि सदा उनके हवा में उड़ जाने का खतरा रहता है। इस साधना में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वायु और अग्नि के उचित नियंत्रण से आकाश में उड़ना भारतीय योग की प्रसिद्ध साधना है। मिट्टी और जल का अंश शरीर में से बहुत घटा दिया जाता है और अग्नि एवं वायु के अंश की यथेच वृद्धि कर ली जाती है। इससे मनुष्य में अत्यंत हल्कापन आ जाता है और वह हवा में उड़ जाता है। भारतीय योगी मानते हैं कि उपयुक्त साधना द्वारा सैकड़ों मील प्रति घंटे की गति प्राप्त की जा सकती है। इस दृष्टि से लुंगोम्पा की यह साधना बहुत मामूली है, पर चूंकि इसकी शिक्षा तिब्बत के कई मठों में दी जाती है, इसलिए इसका परीक्षण एवं दर्शन सरल है। तसांग प्रांत का सालू गोम्पा इसके लिए आज भी काफी मशहूर है। इसकी शिक्षा किसी अनुभवी गुरु से लेनी पड़ती है। पहले कई वर्ष तक नाना प्रकार के प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है। जब शरीर के अंदर वायु पर काफी नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तब दौड़ने का अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए गुरु एक गोपनीय मंत्र शिष्य को देता है। इस मंत्र का सस्वर मानसिक पाठ करते हुए उसमें अपने विचारों को केंद्रित करना सिखाया जाता है। चलते समय श्वास लेने और निकालने की क्रिया के साथ इस मंत्र के मानसिक गायन का सामंजस्य होना चाहिए और प्रत्येक पग मंत्र एवं प्राणायाम के सम पर पड़ना चाहिए। यात्री को न तो कुछ बोलना चाहिए न इधर उधर देखना चाहिए। उसको अपनी दृष्टि किसी एक दूरस्थ पदार्थ में केंद्रित रखनी चाहिए। लंबे चौड़े रेगिस्तानी मैदान, समतल भूमि और संध्या का समय, विशेषतः तारों से जगमगाती रात प्रारंभिक साधकों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय माना जाता है। दोपहर, तीसरा पहर, जंगल, घाटियां और पहाड़ इत्यादि को इस विद्या के आचार्य ही अतिक्रम कर सकते हैं। अधिकांश साधकों को अपनी दृष्टि किसी एक तारे पर केंद्रित करने को कहा जाता है। आरंभिक साधक उस तारे के डूबने पर रुक जाते हैं, पर जब गहरी सुसुप्ति या योग निद्रा का अभ्यास हो जाता है तो तारे के डूब जाने पर भी साधक यात्री की आंखें उसमें केंद्रित ही रहती है, उसका ध्यान नहीं टूटता। बहुत दिनों के अभ्यास के बाद साधक के पांव जमीन को स्पर्श भी नहीं करते, वह वायु के ऊपर मानो तैरता चला जाता है। उस योग निद्रा में शरीर के बोझ का भान बिल्कुल छूट जाता है। माही केतांग नाम के अधिकांश साधक दूसरी विधियों से इसका अभ्यास करते हैं। वे हमारे यहाँ की लाघिमा सिद्धि का भी कुछ अभ्यास करते हैं। साधारण शिष्यों को प्रारंभ में एक गद्दे पर आसन मारकर बैठना पड़ता है। वह धीरे धीरे बहुत देर तक नाक से वायु अंदर खींचते हैं, मानो वह शरीर को हवा से भर देना चाहते हो। फिर वायु को अंदर रोककर आसन लगाए हुए ही वह ऊपर उछलने का अभ्यास करते हैं। इसमें वह हाथ का कोई सहारा नहीं लेते, वह गद्दे पर गिरते हैं और फिर उछलते हैं। इस प्रकार वह अपना अभ्यास प्रतिदिन जारी रखते हैं। कुछ लोग इस तरह अभ्यास करते करते बहुत ऊंचा उछल सकते हैं। थोड़ी स्त्रियां भी इसका अभ्यास करती है। इस विद्या के जानने वालों का कहना है कि वर्षों के अभ्यास से शरीर बहुत हल्का, प्रायः बिना किसी बोझ के हो जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि अभ्यास से ऐसी निपुणता प्राप्त कर लेते हैं लोग जो कि पौधे पर बैठ सकते हैं और इसके पौधे की डंडी जरा भी नहीं झुकती। इसके साथ ही लघिमा की भी परीक्षा ली जाती है। जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है, इसकी गहराई उतनी ही होती है जितनी परीक्षार्थी के शरीर की ऊंचाई या लंबाई होती है। इस गड्ढे पर जमीन की सतह के ऊपर एक गुंबद बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई भी आदमी के शरीर की ऊंचाई के बराबर होती है। इस गुंबद के कलश में ऊपर थोड़ी सी खुली जगह एक बड़े छिद्र की भांति होती है। इस तरह गड्ढे के अंदर आसन लगाकर बैठे हुए आदमी और इस कलश के छिद्र के बीच का अंतर उस आदमी के शरीर की लंबाई का दुगना होता है। जैसे यदि आदमी की ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है तो यह अंतर 10 फुट 10 इंच का होगा। परीक्षा में सफलता की कसौटी यह है कि आदमी आसन लगाकर बैठे हुए उछले और उस छिद्र में से बाहर हो जाए।
कुछ माही कितांग साधकों की परीक्षा दूसरी तरह से भी ली जाती है। उसमें उछलना नहीं पड़ता, पर छिद्र से निकल आने की कसौटी उनके लिए भी है। एक अंधेरे एकांत स्थान में 3 वर्ष तक अभ्यास करने के पश्चात जो साधक परीक्षा में सफल होने की शक्ति का अनुभव करते हैं, सालू गोम्पा कहे जाते हैं। वह कब्र के समान बनी झोपड़ियों में, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, उनको प्रविष्ट कराया जाता है। इसमें और ऊपर लिखित गुंबद वाली परीक्षा में अंतर इतना ही है कि उसमें निकलने का छिद्र ऊपर सिरे पर होता है और इसमें दीवार में बगल में होता है। इससे परीक्षार्थी को उछलना नहीं पड़ता। गड्ढे के पास एक स्टूल रहता है। 7 दिन तक गड्ढे में रहने के बाद वह इस स्टूल के सहारे गड्ढे के ऊपर आता है। अंतिम परीक्षा में सफल होने के लिए उसे दीवार वाले छिद्र से बाहर निकलना चाहिए। यह छिद्र मनुष्य की तर्जनी उंगली और अंगूठे से बनाने वाले घोलक के बराबर होता है। प्रतिभावान लामा इन सिद्धियों में अपना समय खोने से इनकार करते हैं। उनका आचरण बुद्ध के संबंध में कही जाने वाली एक कथा के आधार पर है। कहते हैं, एक समय बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक जंगल के बीच एक कुटी में उनको एक जीर्ण शरीर योगी मिले। बुद्ध ठहर गए। उन्होंने योगी से पूछा कि तुम यहां कितने दिन से तपस्या कर रहे हो। योगी ने उत्तर दिया, 25 वर्ष से। बुद्ध ने पूछा, इस लंबी एवं कष्टपूर्ण तपस्या से तुमने क्या शक्ति प्राप्त की है। योगी ने कहा, मैं किसी नदी को उसके जल पर खड़े खड़े चलकर पार कर सकता हूं। बुद्ध बोले, मेरे भाई, क्या सचमुच तुमने इतने वर्ष इसी जरा सी बात के लिए व्यतीत कर दिए। नाविक तुमको चंद पैसों में उस पार ले जाएगा। एक घटना मुझे और याद आती है, मैं आपको बता देता हूं। यह घटना है, मैंने बहुत बार सुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से सुनाना बहुत आवश्यक है। श्री सुदर्शन जी चक्र का, वो भी एक सिद्ध बाबा से मिले थे, गुदड़ी बाबा से। तो जब कल्याण के लिए उनको लिखना था, लेख लिखना था, तो किसी ने बताया था कि आप गुदड़ी बाबा से जाके मिलिए, वो बहुत सिद्ध पुरुष है। तो जब वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे उनके चारों तरफ खेल रहे हैं। तो क्या हुआ कि बच्चे कह रहे थे, बाबा लड्डू खिलाओ ना, बाबा लड्डू खिलाओ ना। तो बाबा ऊपर हाथ करते हैं और उनके हाथ में लड्डू आ जाता है। मतलब जो भी बच्चा जो मांग रहा था, बाबा उसको दे दे रहे थे। तो सुदर्शन जी चक्र गए, वहाँ पे बैठे, उनको प्रणाम किए। उसके बाद उन्होंने हाथ ऊपर किया और कुछ मेवे उनके हाथ में आ गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। और तो सुदर्शन जी चक्र लेने से मना कर दिए। वो कहते हैं कि बाबा, जब तक मैं ये ना जान लूँ कि इसे सात्विक तरीके से लाया गया है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। तो बाबा हंसने लगे, बोले, बेटा चिंता मत कर, इसे मैंने अपनी सिद्धियों से हिमालय के जंगलों से एकदम अभी अभी तोड़ के ला रहा हूँ। तो सुदर्शन जी चक्र बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि बाबा, मुझे भी ये सिद्धि सीखनी है, तो आप बताइए मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, बेटा समय बर्बाद मत करो, मैंने सिद्धि को प्राप्त करने में अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारे अध्यात्म में कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो और भगवान के नाम का जप करो। नाम जप से तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने नाम जप को ही बहुत महत्व दिया। अब कोई इंसान अनुभव करके यह बता रहा है तो हमें मानना चाहिए। हम सिद्धियों को, किसी चीज को सिद्ध करके क्या कर लेंगे, थोड़ी सी मान बढ़ाई मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर अंत में हम भगवान भक्ति के लिए ही पछताएंगे कि हमें क्यों नहीं मिला, भगवान हमें प्राप्त क्यों नहीं हुए। चलिए आगे सुनते हैं। बर्फ के बीच शरीर को गर्म रखने की साधना। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ से घिरी हुई कुटियों में सर्दी के दिन बिताना एक कठिन काम है, पर अनेक तिब्बती साधक और तपस्वी 11,000 से लेकर 18,000 फुट तक की ऊंची चोटियों पर बर्फ के बीच शिशिर ऋतु बिताते हैं। उनके शरीर पर पतला कपड़ा होता है, पर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, पर उनका शरीर जम जाने की बात तो दूर रही, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होती, न कोई कष्ट प्रतीत होता है। कहते हैं, तुमों पर नियंत्रण स्थापित करने के कारण ही
ये लोग इस प्रकार रह सकती हैं। तुमो शब्द का साधारण अर्थ ताप गर्मी है, पर तिब्बती भाषा में इसका प्रयोग साधारण ताप या गर्मी के लिए नहीं किया जाता। यह तिब्बती योग विद्या का शब्द है जो विशेष साधना से उत्पन्न आंतरिक ताप के लिए प्रयुक्त होता है। गुप्त विद्याओं के आचार्य तुमो के भी कई भेद बताते हैं। प्रकाश तुमो जो अद्भुत आनंद के उद्वेग में साधक में स्वतः उत्पन्न होता है और उसे देवताओं के मुलायम गर्म परिच्छेद में ढक देता है। गोप्य तुमो जो साधक को हिमाच्छादित पहाड़ों पर गर्म और सूखा रखता है। गूढ़ अथवा रहस्यात्मक तुमो, इसे केवल अलंकारिक संकेत में ही ताप कह सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः यह समाधिस्थ होकर इसी दुनिया में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति का साधन है। गुप्त विद्याओं में तुमो शब्द का प्रयोग उस सूक्ष्म ताप के लिए भी होता है जो वीर्य को गर्मी प्रदान करता और इतनी स्फूर्ति देता है कि वह रक्तवाहिनी नाड़ी और ज्ञान तंतु के समष्टिगत अर्थ में तसम के द्वारा समग्र शरीर में व्याप्त हो जाता है। पर स्वतंत्र विचार के विद्वान ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि तुमो की साधनाओं के द्वारा साधक अपने शरीर को उत्पादक शक्ति से परिपूर्ण कर सकता है, किंतु यह स्थूल भौतिक पदार्थ नहीं है, वरन सूक्ष्म अदृश्य शक्ति है जिसमें मानसिक सृष्टि ही संभव है। जो भी हो, साधकों में भी बहुत ही कम लोग इन कई तरह के तुमो से परिचित हैं, परंतु उस तुमो को तिब्बत में काफी लोग जानते हैं जो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं पर भी साधक को गर्मी और जीवित रखता है। पर जिस विधि से वह रहस्यमय गर्मी उत्पन्न की जाती है उसे बहुत थोड़े लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि केवल अधिकारी व्यक्ति ही उसकी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस दीक्षा के लिए आवश्यक है कि साधक प्राणायाम संबंधी विविध साधनाओं में दक्ष हो, उसमें अपने ध्यान को एकाग्र कर लेने की पूर्ण शक्ति हो और कम से कम भाव समाधि की उस अवस्थाओं को प्राप्त करने का उसे अभ्यास हो। जब विचारों के सूक्ष्म रूप का दर्शन किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उसे उपयुक्त और अधिकारी तथा शक्ति संपन्न गुरु से अंकुर प्राप्त हो चुका हो। काफी वक्त तक उम्मीदवारी करने के बाद ही तुमो की दीक्षा मिलती है। इस उम्मीदवारी और प्रतीक्षा से आदमी की लगन और निष्ठा की परीक्षा हो जाती है। तुमो की दीक्षा लेने के बाद आदमी को फर और ऊनी कपड़ों का सर्वथा त्याग कर देना पड़ता है और आग से शरीर के लिए गर्मी प्राप्त करने का उसके लिए निषेध है। कुछ समय तक गुरु के निकट निरीक्षण में अभ्यास करने के बाद शिष्य ऊंचे पहाड़ों में किसी बिल्कुल एकांत स्थान पर चला जाता है। साधारण ऐसे पहाड़ों की ऊंचाई 10,000 फुट से अधिक होती है। तुमो के आचार्यों का कहना है कि शिक्षण का अभ्यास कभी किसी मकान के अंदर अथवा बस्तियों के समीप नहीं करना चाहिए। उनका विश्वास है कि धुएं गंध इत्यादि से विकृत वायु तथा अन्य लोगों के मनोभावों के प्रभाव से साधक को सफलतापूर्वक अभ्यास करने में कठिनाई पड़ती है और कभी कभी उसको हानि भी पहुंचती है। एकांत स्थान में बस जाने पर शिष्य के लिए सिवाय गुरु के और किसी को देखने की मनाही है। गुरु बीच बीच में जाकर देखता रहता है कि अभ्यास क्रम ठीक चल रहा है या नहीं। कभी कभी सुविधा अनुसार शिष्य बीच बीच में गुरु की कुटी में जाकर पथ प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। शिष्य को अपनी शिक्षा प्रतिदिन उपहकाल के पूर्व आरंभ करनी पड़ती है। सूर्योदय के पूर्व तुमो संबंधी विशेष साधना समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि इस समय उसको एक या अधिक ध्यान करने पड़ते हैं। सारा अभ्यास खुली जगह में करना पड़ता है और साधक को या तो पूर्णतः निर्वस्त्र रहना पड़ता है अथवा एक सूती वस्त्र पहनना पड़ता है। आरंभिक साधकों को चटाई या लकड़ी के स्टूल पर भी बैठकर अभ्यास करने की आज्ञा दे दी जाती है, पर आगे बढ़े हुए शिष्य खुली जमीन पर बैठते हैं।
जिन्होंने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, वे बर्फ पर अथवा किसी सरोवर या झरने के जमे हुए पानी या हिम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। शिष्यों को अभ्यास के पूर्व कुछ नाश्ता करने, यहाँ तक कि कोई चीज पीने, विशेषतः चाय इत्यादि गर्म चीजें पीने की सख्त मनाही है। अभ्यास में दो आसन प्रचलित है, या तो पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए अथवा पाश्चात्य ढंग से बैठने की अवस्था में दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखना चाहिए। इसमें तर्जनी के बाद की दोनों उंगलियां हथेली के नीचे मुड़ी हुई दबी रहती है, बाकी आगे की तरफ फैली रहती है। पहले कई प्रकार के प्राणायाम किए जाते हैं जिनका उद्देश्य वायु मार्ग को स्वच्छ कर देना है। इसके पश्चात अहंकार, क्रोध, घृणा, लोभ, आलस्य, अविवेक इत्यादि दुर्गुण प्राणायाम की क्रिया में वायु निर्गमन के लय के साथ मन से दूर कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार संत पुरुषों के आशीर्वाद, बुद्धत्व, पंचबोध तथा संसार के श्रेष्ठ गुणों को अंदर श्वास ले जाते समय खींचने और उन्हें अपने में मिलाने का प्रबल मानसिक प्रयत्न करना पड़ता है। अब चित्त को शांत और स्थित करके संपूर्ण चिंता और विक्षोभ को भूलकर कल्पना करनी पड़ती है कि नाभि के पास शरीर में एक स्वर्ण कमल है। इस कमल में सूर्य की भांति प्रकाशमान राम शब्द है। राम शब्द के ऊपर मां शब्द है। इस मां शब्द से दोर्जी नालजुरोमा यानी एक देवी निकल रही है। इन रहस्यमय शब्दों को बीज कहते हैं। इनको केवल लिखित शब्द या अक्षर ही नहीं समझना चाहिए, न इनको वस्तुओं का प्रतीक मान लेना चाहिए। इनको असीम शक्ति से पूर्ण, सीधे, खड़े, जीवित रूप में देखना और अनुभव करना चाहिए। उदाहरण के रूप में राम अग्नि का दार्शनिक नाम नहीं है, वरन अग्नि का बीज है। हम हिंदुओं में भी बीज मंत्रों के शुद्ध पाठ एवं उच्चारण पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारा विचार है कि उनकी शक्ति उनके स्वर, शब्द एवं ध्वनि में है। यह ध्वनि रचनात्मक है, वह उत्पादिका शक्ति से पूर्ण है। तिब्बती योग विद्या के अनेक आचार्यों का कहना है कि राम का शुद्ध उच्चारण करने से अग्नि पैदा हो सकती है, किंतु तिब्बत में इन शब्दों का प्रयोग प्रायः ध्वनि के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि तत्व रूप में या देव रूप में किया जाता है। जो योगी राम शब्द को अग्नि बीज रूप में अनुभव करता है और इस शब्द के आत्मगत प्रतिरूप का मानसिक उपयोग कर लेने की क्रिया जिसे मालूम है, वह ध्यान अथवा मन के केंद्रीयकरण मात्र से किसी भी वस्तु को जला सकता अथवा बिना ईंधन के ज्वाला उत्पन्न कर सकता है। हाँ, तो ध्यान में या शब्द से निकलती हुई दोर्जी नालजुरोमा की कल्पना करने के पश्चात साधक को अनुभव करना चाहिए कि स्वयं दोर्जी नालजुरोमा है। इस प्रकार जब साधक स्वयं दोर्जी नालजुरोमा बन जाता है, तब वह नाभि में अ अक्षर की और अपने सिर पर हा की कल्पना करता है। धीर और गंभीर श्वास ग्रहण भावी अथवा धौकनी का काम करता है और एक छोटे पर प्रज्वलित अग्नि दंड को उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक श्वास के साथ वायु पेट में जाकर नाभि के ऊपर के भाग को स्पर्श करती हुई मालूम होती है और ज्वाला बढ़ती जाती है। तुमो के अन्य प्रकार की साधनाओं में कल्पना की जाती है कि हा से तैल बिंदु झरझर कर अ में स्थित अग्नि में पड़ रहे हैं और इस प्रकार उसे प्रज्वलित किए हुए है। अब प्रत्येक बार श्वास लेने के पश्चात श्वास को अंदर रोक रखने का प्रयत्न किया जाता है। धीरे धीरे श्वास को रोके रखने के समय में वृद्धि की जाती है। अब वह अग्नि इमा नामक सिरा के द्वारा ऊपर उठती है। यह स्पष्ट है कि तिब्बत की योग विद्या का आधार भारतीय योग ही है और नाड़ी चक्र का प्रयोग भारत से ही लिया गया है। नाड़ी को तिब्बती भाषा में तसा कहते हैं। तिब्बती योग में तीन नाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लेती है। इनके नाम रोमा, क्यांगा और उमा है। इन नाड़ियों को साधारण रक्त से भरी नाड़ियों के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये सूक्ष्म तंतु हैं जो आत्मिक शरीर की तरंगे शरीर के विविध भागों में पहुंचाते हैं। वैसे अगणित
दशाएं हैं, पर उपर्युक्त तीन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार साधना चलती है। इस साधना की 10 श्रेणियां हैं। ध्यान में बराबर एक गुप्त मंत्र का पाठ करना होता है और चित्त उस अग्नि तथा उससे फैलती हुई गर्मी में पूर्णतः एकाग्र कर लेना पड़ता है। संक्षेप में उपयुक्त 10 श्रेणियां ये हैं। पहला, केंद्रीय दशा व नाड़ी में उमा की कल्पना की जाती है और उसका सूक्ष्म दर्शन किया जाता है। कल्पना और दर्शन यह है कि नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म बाल जैसी है और फिर ऊर्ध्वगामी अग्नि से भरी हुई है और श्वास जन्य वायु उसमें भरकर अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए है। दूसरा, नाड़ी का आकार बढ़ गया है और वह छोटी उंगली जितनी बड़ी हो गई है। तीसरा, वह बढ़ती जाती है और हाथ जितनी हो गई है। चौथा, नाड़ी संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई है अथवा शरीर स्वयं तसा हो गया है, एक ट्यूब जैसा जो प्रज्वलित अग्नि एवं वायु से पूर्ण है। पांचवा, अब शरीर की आकृति भी लुप्त हो जाती है, सीमाहीन होकर नाड़ी समस्त संसार को आत्मसात कर लेती है और नाल जरूपा वह साधक अपनी को अग्नि के महासागर की उमड़ती हुई लहरों के बीच उठते तूफानी झकझोरों से झलमलाती ज्वाला के रूप में अनुभव करता है। इन 5 अवस्थाओं की साधना में 1 घंटा से कम नहीं लगता। जिनको ध्यान में अधिक डूब जाने का अभ्यास होता है उनको कहीं ज्यादा समय लगता है। अब उपयुक्त बातें उल्टे क्रम से घटित होती है। छठा, तूफानी झोंके शांत हो जाते हैं, अग्नि की उमड़ती लहरें स्थिर हो जाती है, प्रज्वलित समुद्र छोटा होते होते शरीर में मिल जाता है। सातवां, नाड़ी फिर हाथ जितनी बड़ी रह जाती है और इसके अंदर अग्नि प्रवाहित दिखाई पड़ती है। आठवां, नाड़ी और छोटी होकर छोटी उंगली के बराबर रह जाती है। नौवां, वह बाल के समान सूक्ष्म हो जाती है और दसवां, वह बिल्कुल लुप्त हो जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती, सब रूप एवं आकृतियां लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों की संपूर्ण धारणाओं का लोप हो जाता है, मन अनंत शून्य में निमग्न हो जाता है, जहां ज्ञाता व दर्शक और ज्ञेय व दृश्य के बीच किसी प्रकार की द्वैत भावना नहीं रह जाती। 10वीं अवस्था एक प्रकार की समाधि है, जिसका समय साधक की उन्नति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। कहते हैं कि मिलारेपा जब लाचीकांग की गुफा में, जो एवरेस्ट अथवा गौरीशंकर श्रृंग के निकट थी, बर्फ से घिर गया था और मार्ग न होने के कारण अगले बसंत तक उसको वहां रुकना पड़ा, तो उसने यही साधना की। उसने इसका वर्णन अपनी एक कविता में भी किया है। नारोपा ने इस साधना के लिए जिस विधि का वर्णन किया है उसमें इससे कुछ अंतर है। उसमें पहले आसन मारकर बैठते हैं, हाथों को जंघों के नीचे से ले जाकर हथेलियों को एक दूसरे से जकड़ लेते हैं। अब साधक पेट को 3 बार दाहिनी तरफ से बाईं तरफ और 3 बार बाईं तरफ से दाहिनी तरफ घुमाता है। इसके बाद जितनी तेजी से संभव हो पेट को मथता है। इतना हो चुकने पर अड़ियल घोड़े की तरह जोर से सारे शरीर को हिलाता है और उसी आसन से बैठे हुए ऊपर उछलता है। ये तीनों बातें कम से कम 3 बार करनी पड़ती हैं और प्रत्येक के अंत में अधिक से अधिक ऊपर उछलना पड़ता है। इन क्रियाओं को करते समय श्वास को अंदर रखना पड़ता है, यहां तक कि पेट हाड़ी सा हो जाता है। इसके पश्चात पूर्व लिखित साधना की तरह दोरजी नालजरोमा का अनुभव करना पड़ता है। इतना कर चुकने पर प्रत्येक हथेली, मेरे पास जो आर्टिकल है इसमें बहुत सारा शब्द छूटा हुआ है तो मैं उसे स्पष्ट रूप से भी पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो एक पेज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं इसके बारे में। अगर डेविड नील की पुस्तक आप पढ़िएगा तो वहाँ पे वो सारी बातें विस्तार से दी गई है, यहाँ तो बहुत संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो मैं आगे चलता हूँ, जहाँ मुझे स्पष्ट मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब परीक्षार्थियों को आसन मारकर जमीन पर बैठा दिया जाता है। इसके पूर्व उनको निर्वस्त्र कर दिया जाता है, कपड़े बर्फीले पानी में भिगोए जाते हैं और प्रत्येक के शरीर में इस प्रकार का गीला कपड़ा लपेट दिया जाता है। यह गीला कपड़ा शरीर की गर्मी तूमों द्वारा सूखना चाहिए, सूखते ही इसे फिर पानी में डुबाकर गीला किया जाता है और परीक्षार्थी के शरीर पर रखा जाता है। यह क्रिया प्रातःकाल तक चलती है। इस अवधि में जो सबसे ज्यादा कपड़े सुखाता है वह प्रतियोगिता में विजयी समझा जाता है।
जानकारों का कहना है कि कोई कोई 40 कपड़े तक रात भर में सुखा लेते हैं। संभव है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, पर श्रीमती नील ने लिखा है कि मैंने कुछ रेस्पाओं को साल जैसे लंबे कई कपड़े सुखाते देखा है। परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम 3 कपड़े सुखाना चाहिए, पर इस नियम में भी कभी कभी शिथिलता देखी जाती है। परीक्षार्थी तब रेस्पा बन जाता है। रेस्पा उन साधकों को कहते हैं जो प्रत्येक ऋतु और प्रत्येक स्थान, चाहे वह कितनी ही ऊंचाई पर हो, पर एक सूती वस्त्र पहनते हैं, जैसा कि सर्वत्र होता है। नकली और ढोंगी रेस्पा भी हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते, पर ऐसे भी हैं जो इसके भी आगे जाते हैं और वस्त्र का सर्वथा त्याग करते हैं। वे दीर्घकाल तक और कभी कभी जीवन भर ऊंचे पर्वतों पर रहकर साधना करते हैं। गीले कपड़े सुखाने की इस विधि के अतिरिक्त अन्य उपायों से भी तुमो के अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाती है। एक विधि यह है कि छात्र को पहाड़ों पर बर्फ के बीच बैठा दिया जाता है, उसकी गर्मी से जितनी बर्फ गलती है और उसके चारों ओर जितने दूर तक की बर्फ गलती है, इससे उसकी सफलता का अनुमान लगाया जाता है।